शुभम गिल के नाम हुआ दर्ज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप भी देखना चाहते हैं शुभम गिल का 208 रन का पारी का पूरा हाइलाइट्स, तो इस वीडियो को फटाक से एक लाइक कर दे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ही शुभम गिल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 149 गेंद में 208 रन की पारी खेली। उनकी पारी में 19 चौके और 9 छक्के शामिल थे। इस मैच में गिल ने एक साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। गिल वनडे में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 23 साल की उम्र में यह कारनामा किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था, जिन्होंने 24 साल की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। इसके अलावा गिल वनडे में सबसे कम उम्र में 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। दोस्तों इसके लिए तो एक लाइक जरूर बनता है। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली और शिखर धवन के नाम था। इन दोनों खिलाड़ियों ने 24 पारियों में 1000 वनडे रन बनाए थे। वहीं शुभम गिल ने 19 वनडे पारियों में ही 1000 रन पूरे कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों शुभम गिल ने अपनी 208 रन की पारी के साथ ही सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, सचिन ने 1999 में हैदराबाद के ही मैदान में कीवी टीम के खिलाफ नाबाद 186 रन की पारी खेली थी। अब तक यह वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर था। शुभम गिल ने दोहरे शतक के साथ सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन तीसरे स्थान पर आए, जिन्होंने 2007 में नाबाद 181 रन बनाए थे। वही डी चघनल चौथे स्थान पर, उन्होंने 1994 में नाबाद 169 की पारी खेली थी। दोस्तों शुभम गिल के बारे में आपको क्या करना है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैच से रिलेटेड बढ़ जानकारी अगर आप हर दिन पाना चाहते हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह से वीडियो लेकर सबसे पहले आते हैं।